प्रॉपर्टी वेलफेयर बायर एसोसिएशन है और आज के इस पर्टिकुलर इवेंट में एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया गया था जिसपे हमारा सब जॉइंट डिस्कशन हुआ, जिसमें जितने भी ये बिल्डर्स के जो फ्रॉड हुए हैं उससे कैसे निपटा जाए, उसका क्या सॉल्यूशंस निकाला जाए, उसके लिए आज सभी लोगों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपना अपना ओपिनियन और अपने अपनी चीज़ें को शेयर किया है। एंड आई एम बीन वेरी ग्रेटफुल टू मीडिया ऑल्सो के उन्होंने आज इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। अभी जो सबसे बड़ा इशू सबके सामने है वो है हाउ टू रीच गवर्नमेंट नाउ, बिकॉज़ ये सॉल्यूशंस अब रह गया है गवर्नमेंट के हाथ में कि वो अब किस ढंग से इसको रिव्यू करती हैं और किस ढंग से गवर्नमेंट अब इस चीज़ का सॉल्यूशंस निकालेंगी। बिकॉज बिल्डर ने अपना काम करना था, उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने जो फ्रॉड जिस लेवल पे करना था वो हो चुके हैं। इसमें कौन इन्वॉल्व है, किस लेवल तक इन्वॉल्व है, वो सभी को पता है। मैं आर एल फॉन्स से एक उम्मीद रखूँगा कि वो हमारी इस सबकी प्रॉब्लम्स को एज एन कॉमन प्रॉब्लम बना के मिनिस्टर लेवल तक, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक, सेंटर के सभी जितने भी अच्छे मिनिस्ट्री लेवल के लोग हैं उन तक पहुँचाएँ और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस चीज़ का कोई समाधान निकाला जाए। बिकॉज अब ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है बचा हुआ जिस पे एक आम आदमी जा सकता है और जाके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है। अब मेरे ख्याल जहाँ तक अगर ये मैटर है वो एक अर्बन मिनिस्टर और मिस्टर मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने हम लोगों को काफ़ी आश्वासन दिए हैं और आज वो हमसे उम्मीद भी रखते हैं कि आने वाले साल में हम उनको दोबारा वोट करें। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक सर्विस क्लास पर्सन को एक जस्टिस मिले, उन सभी को एक अच्छा न्याय दे, उसके लिए वो तो ज़रूर देखें।